अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकविथहार्ट में। आज हम बना रहे हैं स्वीट डिश। स्वीट डिश में हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। वो हम सभी के बहुत फेवरेट थे, ख़ासतौर से मेरे बेटों के, तो ये बहुत बहुत फेवरेट डिश है। आइए हम देखते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने मावा लिया है, ये गुलाब जामुन का मावा कहकर ही मार्केट से मैंने मंगवाया है। ये 1 किलो मावा है, देखिए एकदम ताज़ा फ्रेश मावा है ये। और ये तलने के लिए यहाँ हमने घी लिया है, घी हमने देसी इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये शक्कर है, शक्कर भी हमने 1 किलो लिए, चाशनी बनाने के काम आएगी। ये 3-4 इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है, इसको हम चाशनी में ऐड करेंगे। और ये केसर येलो कलर है, इसका हम 1 पिंच यूज़ करेंगे, चाशनी में डालेंगे। और चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पानी ले रहे हैं, ये देखिए 1.5 लीटर पानी है। 1 लीटर 1 किलो शक्कर में हम यहाँ 1.5 लीटर पानी का यूज़ करेंगे, फिर उसको हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। आइए हम बनाना शुरू करते हैं स्वीट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए यहाँ हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन कर देते हैं। इसमें हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। पहले हम यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर पानी यूज़ करेंगे, देखिए मैंने पानी इसमें बचा लिया है। इसमें हम ये शक्कर डालेंगे, उसके बाद जो ये हमने इलायची पीस के रखी थी ये डालेंगे, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। बस देखिए ज़रा सा ही हमने करा है, 1-2 पिंच होगा बस ये, कि हमारा हल्का येलो कलर हो जाए बस। अब हम ये चाशनी बनने तक वेट करेंगे। जब तक हमारी चाशनी उधर तैयार होती है, हम यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। देखिए हम यह मावा ले रहे हैं, मावे को हम अच्छे से मेश कर लेंगे। देखिए अब दूसरी मिठाई बनाने के लिए कद्दूकस कर लेते हैं मावा, लेकिन ये एकदम मावा ताज़ा है, एकदम नरम मावा है, इसलिए हम इसको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छे से पहले अपनी हथेली से मेश कर लेंगे। बिल्कुल एकदम मेश हो रहा है ये बहुत अच्छे से। हम इस पर थोड़ा सा 50 ग्राम के हिसाब से मैदा ले लेंगे। सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा मैदा हम ऐड करेंगे। हमको ज़्यादा मैदा नहीं डालना है, 1 किलो में सिर्फ 50 ग्राम मैदा ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और तब तक इसको अपने हथेली से मेश करते रहेंगे, तब तक इसमें एक भी लम्स नहीं रहे। इसी तरह हम पूरा मावे को इसमें मैदे में मिला लेंगे। तैयार है, इसमें हम एक मरमल का कपड़ा लेके अब इसको गीला करके हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। इस तरह इसको आटे को इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे गुलाब जामुन का डो सेट हो चुका है। आइए हम अब इसके गोले बना लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्टली आटा है ये, देखिए आप इसके गोले, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। जितना आपको छोटा गुलाब जामुन बनाना हो या बड़ा बनाना हो, मीडियम बनाना हो, यहाँ पे हम मीडियम गुलाब जामुन बना रहे हैं। देखिए ये हमारा एक गुलाब जामुन बनके तैयार है। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। हमने डो के बॉल तैयार कर लिए हैं, देखिए ये मीडियम साइज़ के बॉल है, इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए वरना हमारे गुलाब जामुन फटेगी। तलने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, गैस ऑन कर देते हैं। यह हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। ये हमने प्योर घी लिया है, देसी घी, आप इसकी जगह डालडा घी भी यूज़ कर सकती हैं। ये हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम वेट करेंगे, ये हम डीप फ्राई करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके बॉल डालेंगे। हमको बहुत तेज़ घी गर्म नहीं करना है, हमें मीडियम हाई गैस रखना है। इसी तरह हम अपने सारे बॉल इसमें डाल के और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तल के तैयार हैं।
एकदम परफेक्टली तले हैं ये। देखिए हमको इनको ऐसे ही कलर चाहिए था, देखिए ऐसे ही तलना चाहिए गुलाब जामुन, और ज़्यादा हमको इसको काले नहीं करना चाहिए। देखिए अब हम तल चुके हैं, निकाल रहे हैं इसको प्लेट में। ये अपने गुलाब जामुन निकाल लिए हैं, देखिए इसमें एक भी क्रैक नहीं है, ये बहुत एकदम गोल बने, ऐसी बनना चाहिए। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरह हम सारे हमारे गुलाब जामुन तल लेते हैं, फिर ठंडा करने के बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी अभी गर्म है, गर्म चाशनी में ठंडे गुलाब जामुन डालते हैं, और अगर चाशनी ठंडी है तो अपन थोड़े गर्म गुलाब जामुन उसमें डाल सकते हैं, इससे एकदम वो चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और नरम नहीं होंगे। देखिए ये हमारी चाशनी बनके तैयार है, ये ठंडी हो चुकी है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, मतलब मीडियम में बिल्कुल। देखिए एक तार की चाशनी बनी है, ये परफेक्टली चाशनी बन गई है। अब हम इसमें ये गुलाब जामुन डाल के 2 घंटे तक वेट करेंगे, ताकि हमारे चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। थोड़ा सा हम इसको हिला देंगे, सब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देते हैं और इसको अच्छे से हिला देंगे। देखिए अब हम इसको चाशनी में ऐसे कैसे रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे तक हम इसको ऐसी रखे रहने देंगे। टेम्परेचर पे 2 घंटे तक हम इसको ऐसी रखे रहने देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, ये चाशनी को गुलाब जामुन ने अच्छे से अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। यह हमारे मीठे मीठे बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी टेस्टी गुलाब जामुन बनके एकदम तैयार है। ये बहुत अच्छे बने हैं, आप भी इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए। पहले मैं इसको एक काट के बताती हूँ कि ये अंदर तक सीख गए हैं, इसे चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। एक को हम इसको काट के, ये हमारे कट चुके हैं, देखिए कितना अच्छा अंदर तक इसकी चाशनी इसने अब्जॉर्ब कर ली है। ये बहुत ही परफेक्टली बने हैं, ये हमने जो काटे थे वो भी देखिए यहाँ पे कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम सॉफ्ट भी बने हैं और बहुत अच्छी इसने चाशनी भी अब्जॉर्ब कर ली है। आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए गुलाब जामुन को। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।